हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज सुनील वर्मा। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स योर लव एंड सपोर्ट। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देख ही लिया होगा और आप में से जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको अच्छे से पता है, मैं कभी भी किसी मैगजीन पे या फिर किसी आर्टिकल पे या फिर किसी न्यूज़पेपर की कटिंग पे वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं हमेशा एक ऑथेंटिक न्यूज़ पे ही वीडियो बनाता हूँ। सो अभी अभी जो गुड न्यूज़ आ रही है वो आ रही है न्यूज़ चैनल्स की तरफ से। जो जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ चले, आप चाहे CNBC देख लीजिए या न्यूज़ 18 इंडिया देख लीजिए या फिर आप इंडिया टुडे आज तक देख लीजिए, इन चैनल्स के ऊपर अभी जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि जो जिम और जो सिनेमा हॉल है ये ओपन हो सकते हैं। यानी 31 जुलाई तक जो जिम और सिनेमा हॉल है ये खोले जा सकते हैं। सो सबसे पहले प्रूफ की बात कर लेते हैं कि प्रूफ मुझे कहाँ से मिला है। तो सबसे पहले आप देख ले साइड स्क्रीन पे, ये हमारा एंड्रॉयड मोबाइल। सबसे पहले आप जाइए यूट्यूब के ऊपर, तो मैं यहाँ से गया यूट्यूब के ऊपर, यहाँ से खोल लीजिए आप यूट्यूब। ऊपर आप टाइप कर लीजिए जिम न्यूज़ इन इंडिया, इस पर आप सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद आप जाइए कोने पर जो आपका माइक बना हुआ है उसके बगल में, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए डेट अपलोड टाइम। तो अपलोड टाइम के ऊपर आप कर लीजिए टुडे, यानी आज की जितनी भी न्यूज़ होगी जिनसे रिलेटेड वो यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद आपको कर देना है यहाँ से अप्लाई के ऊपर। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए सेकंड नंबर पे जो आ रहा है वो आ रहा है अनलॉक 3.0 अगस्त से सिनेमा हॉल जिम खोलने का, यानी इस पर बात चल रही है। उसके अलावा थोड़ा सा और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर जो आ रहा है वो आ रहा है आपका आज तक HD। तो 2 घंटे पहले आज तक ने भी ये वीडियो अपलोड किया है जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मंथन शुरू हो चुका है और जो जिम और सिनेमा हॉल है वो खुल सकते हैं। और नीचे आइए तो यहाँ पे लिखा हुआ है अनलॉक 3.0 स्कूल मेट्रो सर्विसेज 2, ठीक है। और यहाँ पे थंबनेल के ऊपर आप देख लीजिए जिम थिएटर में भी ओपन, यानी किसी ने भी कंफर्म नहीं किया है लेकिन ये बोला है कि 31 जुलाई तक जो जिम और सिनेमा हॉल है ये खुल सकते हैं। और ये सारे सारे बड़े बड़े ऑफिशियल चैनल हैं। इसके बाद अगर और नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जो CNBC है, TV18 है, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है मूवी हॉल एंड जिम्स लाइकली टू रीओपन। यानी आप पूरा उठा के देख लीजिएगा। अब बात करते हैं जो मेन न्यूज़ है वो है सिनेमा हॉल के लिए, यानी जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है इनने होम मिनिस्ट्री को एक प्रपोजल भेजा था। उस प्रपोजल के अंदर उन्होंने कहा था कि 50% लोगों के साथ में जो सिनेमा हॉल है वो खोल दिए जाने चाहिए। सो गृह मंत्रालय से जो उनको दोबारा जो जवाब दिया गया उसमें ये जवाब दिया गया है कि 50% तो नहीं, 25% लोगों के साथ में आप अपना जो सिनेमा हॉल है उसे खोल सकते हैं। हालांकि जिम को लेके इसमें ज़्यादा बात नहीं कही है लेकिन जितने भी न्यूज़ चैनल हैं इन्होंने ये कंफर्म किया है कि 31 जुलाई तक जो जिम है वो खुल सकते हैं। इसकी जो गाइडलाइंस है उसके ऊपर काम चल रहा है और लगभग लगभग ये मान लीजिए जो गाइडलाइंस है वो बन चुकी है और जो गाइडलाइंस है ये लगभग लगभग जो सेंटर है, सेंटर ने जितने भी स्टेट्स हैं उनको दे दी है। अब स्टेट पर डिपेंड करता है कि उन गाइडलाइंस के अंदर वो क्या मॉडिफिकेशन करता है, उसके बाद वो गाइडलाइन हमें मिल सकती है। अब बाकी जो मेन चीज़ है वो डिपेंड करता है गाइडलाइंस के ऊपर कि गाइडलाइन में क्या लिखा होगा, कौन से एरिया में जिम खुल सकते हैं, ग्रीन जोन में, ऑरेंज जोन में, रेड जोन में, कंटेनमेंट जोन है, ये तो सब गाइडलाइन आने के बाद ही हमें पता चलेगा। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा ये जो न्यूज़ है बिल्कुल ऑथेंटिक है, आप बिल्कुल उस पर विश्वास कर सकते हैं। आप जाइए यूट्यूब पे सर्च कीजिए, सारी न्यूज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को आकर ऑल नोटिफिकेशन करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। सो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय, टेक केयर।